एमपी में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अटैक, युवा ने संक्रमित सूरों को मारने का आदेश, 13 दिन में 2200 सूरों की हुई मौत। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द अखबार दाल न्यूज। असम व नागालैंड के रास्ते मध्य प्रदेश के रीवा शहर पहुंचे अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने अटैक आना शुरू कर दिया है। हालांकि वायरस के अटैक से 13 दिनों के अंदर 2200 सूरों की मौत हो गई है। एहतियाती के तौर पर प्रशासन ने पशु चिकित्सा विभाग के साथ बैठक कर संक्रमित सूरों को वैक्सीन लगाकर मारने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुअर पालकों को महामारी से निजात और आर्थिक नुकसानी नहीं हो, इसके लिए पशुपालन विभाग ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। दावा है कि सुअर मालिकों को 100 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो वजन के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाएगी। सुअर पालकों को रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था भी शासन प्रशासन स्तर से की जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि शहर में सूरों की लगातार हो रही मौत के बाद वार्ड क्रमांक 15 से 11 सूरों के सैंपल 14 अगस्त को कलेक्ट किए गए थे। 15 अगस्त को सैंपल भोपाल भेजे गए। 17 और 18 अगस्त तक भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में सैंपल जाँचे गए। 19 अगस्त को जानलेवा अफ्रीकन स्वाइन फीवर के नाम से वायरस की पुष्टि हुई। गौरतलब है कि यह वायरस असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के रीवा शहर में भी कहर बरपा रहा है। 20 अगस्त को इस वायरस की दस्तक उत्तराखंड में होने की बात सामने आई है। दावा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप अभी शहरी क्षेत्रों के सूरों में हुआ है। सर्वे के मुताबिक रीवा शहर में 15,000 सूअर हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों के सूअरों को शामिल कर दिया जाए तो 15,000 से 30,000 तक संख्या पहुँच जाती है। हालांकि अभी संक्रमण सिर्फ 300 से 500 सूरों में फैला है, जिनको कम से कम वैक्सीन लगाकर मारा जा रहा है। रीवा शहर में 15,000 के आसपास सूरों की संख्या है। डॉक्टरों का दावा है कि चिन्हित सूरों की बस्ती में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाले सूरों में तेज बुखार, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ दिखाई देती है। लक्षण मिलने पर उन्हें अन्य सूरों से अलग कर वैज्ञानिक विधि से इंजेक्शन द्वारा मारा जा रहा है। जिला प्रशासन ने सूअर पालकों से इस कार्य में सहयोग की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि संक्रमित सूअरों को नष्ट नहीं किया गया तो सभी सूअर इसके शिकार हो जाएंगे। रीवा का वार्ड क्रमांक 15 अफ्रीकन स्वाइन फीवर का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बताया गया कि रतहरा बंसल बस्ती के 90% सूअर वायरस की चपेट में है। इसे रेड जोन बनाकर 1 किलोमीटर दायरे में सभी सूअरों की जाँच की जा रही है। सूअरों को रोग से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बने रहें खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।